हेलो गाइज, नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप सब। तो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ व्रत की थाली। जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं तो ये व्रत का खाना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी, जिसके लिए लगेगा बॉइल पोटैटो, सामक के चावल, साबुदाना, नमक और मूंगफली। सामक के चावल को हम ले लेंगे ग्राइंडर में और ये साबुदाना भी ग्राइंडर में लेके इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। ये जो साबुदाना है ये भी ड्राई साबुदाना है, इसको मैंने भिगोया नहीं है। इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इतना फाइन पेस्ट हमने इसका बना के तैयार कर लिया है। इसके बाद हमें ले लेने हैं आलू। आलू को अच्छे से छील लेना है, लगभग डेढ़ आलू हमें इसमें लगेगा। इसके बाद हम बाउल में ले लेंगे जो पेस्ट हमने बनाया था, और आलू को हम इसमें जो है वो मैश कर सकते हैं आप, या फिर मैं इसको घिस लूँगी ताकि इसमें जो है लम्स ना आए। तो डेढ़ आलू मैंने करीब यहाँ पर लिया है और इसको अच्छे से हमने जो है वो घिस लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो मूंगफली थी उसका हमने जो है पाउडर बना लिया है, तो ये मूंगफली का पाउडर 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद डालेंगे नमक और काली मिर्च। नमक काली मिर्च डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक फाइन पेस्ट बना के रेडी करेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे बिकॉज इसमें जो है लम्स ना आए। और पानी आप जो है कंसिस्टेंसी जो है डोसे के बैटर की होने तक ऐड करेंगे। देखिए ऐसे पेस्ट बन के हमारा रेडी हो गया है। इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। इसके बाद हम करेंगे तैयारी हमारी चटनी की। चटनी के लिए मैंने ग्राइंडर में हरी मिर्च ले ली है, मूंगफली जो कि भुनी हुई है, इसे हम एक ग्राइंडर में लेके इसका मिक्सचर बना लेंगे। देखिए इतना अच्छा मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही, क्योंकि ये फास्ट की चटनी है तो इसमें हम एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करेंगे। मैंने अभी तक सिर्फ हरी मिर्च, मूंगफली और दही ऐड की है। इसको भी एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये ग्राइंड होने के बाद एक छोटी सी कढ़ाई लेंगे। तड़के में हम राई नहीं खाते हैं फास्ट में, तो राई नहीं डालेंगे। मैंने इसमें ऑयल डाला है, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं, मूँगफली का ऑयल या फिर जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं फास्ट में वो डालिए। उसके बाद ये जो पेस्ट हमने बनाया था चटनी का ये इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा नमक, ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें थोड़ा सा जो है मिक्स करके ये भी डाल देंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टेस्ट के लिए थोड़ी सी चीनी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि जो है चटनी थोड़ी सी खट्टी मीठी बन के रेडी हो। एक बार हिलाने के बाद इसे ज़्यादा पकाएंगे नहीं, ये हमारी चटनी बनके रेडी हो गई है। इसके बाद हम एक आलू की सब्जी बनाएंगे, जिसके लिए जो हमारे पास बचे हुए आलू थे उसको हम अच्छे से छील लेंगे और उसे काट लेंगे। आलू को जो है मीडियम शेप में हम काटेंगे, ज़्यादा छोटे नहीं, ज़्यादा बड़े नहीं काटेंगे बिकॉज ये बॉइल्ड है। आलू कटने के बाद हम रखेंगे एक फ्राई पैन। फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे। अगर आप मूंगफली का ऑयल खाते हैं तो मूंगफली का, या जो भी ऑयल आप फास्ट में खाते हैं वो ऑयल आप ऐड करेंगे एक फ्राई पैन में। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें हम ये बॉयल आलू जो है वो डाल देंगे। उसके ऊपर डालेंगे 2 चम्मच मूंगफली का जो हमने पेस्ट, मूंगफली का जो हमने मिश्रण बना लिया था वो। उसके बाद नमक और काली मिर्च, इसको भी अच्छे से हम चला लेंगे और ये हमारी सब्जी जो है फास्ट की बनके रेडी हो गई है। इसे 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। और 2 मिनट बाद इसे हम साइड में रख देंगे। इसके बाद लेते हैं तवा, ये मेरा कास्ट आयरन का तवा है। इसे गर्म होने देंगे और हमारे डोसे की तैयारी करेंगे, जो कि हमने पेस्ट बनाया था
इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसे पतला सा घोल बना लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम तवे पे पहले डाल देंगे बिकॉज़ पहले चीले के लिए हमें इसमें ऑयल डालना पड़ेगा। उसके बाद हम पेस्ट को अच्छे से इस पर स्प्रेड कर देंगे। और देखिए ये साबूदाना और सामग का है तो इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है और हम इसे धीमी आंच पे ही पकाएंगे। बीच बीच में आप गैस जो है थोड़ा सा फुल कर सकते हैं और साइड से इसके जो कवर्स हैं आप इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे साइड से रिमूव कर सकते हैं ताकि निकालने में ये इजी हो। जैसे ही आपको ये ब्राउन ब्राउन सा लगने लगे दैट मीन्स ये चीला जो है ये पक के रेडी हो चुका और हम अब इसे कर देंगे फ्लिप। दोनों साइड से हमें इसे अच्छे से पकने तक सेकना है। तो यहाँ से इस साइड से भी हम गैस को थोड़ा सा तेज़ी रखेंगे और देखिए दोनों तरफ से हमारा चीला जो है वो पक चुका है और ये चीला हो गया है रेडी टू सर्व। ये हमारी फास्टिंग की थाली रेडी है। भोग लगाते हैं माता रानी को। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।